अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको ये एक चिकन पुलाव की बड़ी मज़े की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन ये 1 किलो मेरे पास चिकन है, ठीक है, और इसके साथ मैंने तकरीबन 1 किलो ये चावल ले लिए हैं। ये बासमती राइस हैं और इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले इनको भिगो दिया, ठीक है। और तकरीबन 2 इसमें मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे, 1 ये टमाटर है मेरे पास फ्रोज़न है, और 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन है, और ये अदरक मैंने इसमें जूलियन काट लिया, ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा होगा, ठीक है। और ये हरी मिर्चों की पेस्ट है, और इसमें 7 मसालों में जो है 1 टीस्पून भर के इसमें ब्लैक पेपर साबुत है, और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया साबुत है, ठीक है, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें ये ज़ीरा है, और ये 2 ये दालचीनी के पीसीज हैं, ये थोड़े से तेज़पात के पत्ते हैं, और 8 से 10 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 छोटी इलायची है, और ये 1 बादियान का फूल है, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ इसमें सूखा धनिया जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें जो है ये जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक का जाएगा, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर का डाला, ठीक है, और इसमें नमक तकरीबन 1 चम्मच और जाएगा, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम रेड चिलीज का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है, और इसमें 1 कप ये दही भी जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले हम जो है चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए ये जो पिसी हुई काली मिर्च, नमक, और ये खुश्क धनिया पाउडर, और ये जो जायफल जावित्री का पाउडर था, ये हम लगा के चिकन को तकरीबन 1 घंटे के लिए और हरी मिर्चों की पेस्ट लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसका जो है कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जी। ये देखें, मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया, ऐसे तकरीबन 1 घंटा आप ऐसे ही छोड़ दें, और उतनी देर में हम प्याज अपना ब्राउन करते हैं, और मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल का ले लिया है, और अब आप इसमें प्याज को जो है मैंने ये बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे बड़े अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें ये लहसुन और ये जो अदरक कटा हुआ है ये भी ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इन दोनों चीज़ों के साथ। इसको 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब ये जो बाकी के सारे मसाले हैं ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें जो चिकन हमारा मैरिनेट है ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे इन सब चीज़ों को। अब मैं देखिए चिकन को अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ों के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन मेरे पास 3 गिलास चावल है, और मैं 4 गिलास इसमें पानी जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से देख लें, और इसके बाद आप नमक भी यहाँ पे ज़रूर चेक कर लें। ये चिकन हमारा अच्छे से पक गया है, और इसका पानी भी जो है वो फुल बॉयल है, और इस टाइम पे आप नमक चेक कर लें। मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के नमक का डाला है, तो आप अपने हिसाब से इस टाइम चेक कर लें, ठीक है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और पानी की मेजरमेंट का हिसाब आप 1 इंच ऊपर भी रख के तो रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है पानी को मेजर करने का।
जी अब बिल्कुल लास्ट में हम इस पे थोड़ा सा ये जो है ज़ीरा स्प्रिंकल कर देंगे, और मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको पर हल्का सा मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब हम चावलों को तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम हीट पे दम दे देंगे, और उसके बाद चूल्हा बंद करने के बाद भी आपने इनको 10 मिनट के बाद खोलना है। जी ये देखें हमारे चावलों की फाइनल शक्ल, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुशबूदार, बहुत मज़े के बने हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।